हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बर्थडे पार्टी लुक, मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में। इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मेकअप लुक को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने मेकअप करने से पहले फेस वॉश कर लिया है। अब फेस को सुखा के अब मैं सबसे पहले प्राइमर अप्लाई करूँगी। और प्राइमर ये मेरा फिटमी का प्राइमर है, जो ऑयल फ्री प्राइमर है, जिसे जो मैट लुक को जाता है, ऑयल जिसके ऑयली स्किन है वो इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर होता है, हुडा ब्यूटी का प्राइमर है। सो मैं इसे पूरे अपने फेस पे, नेक एरिया पे, हर जगह मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया। मैं मिनी फाउंडेशन यूज करूँगी। ये फाउंडेशन है सिग्नेचर का, जो बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी का फाउंडेशन है। और ये बहुत ही अच्छा मैट फिनिश देता है। ये बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन अब हो जाता है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है ये फाउंडेशन। ये मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया हुआ है। सो मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। धीरे धीरे डैब डैब करके, इसे रब रब नहीं करना है, इसे डैब डैब करके ही यूज करना है। ये बहुत ही आसानी से हमारे फेस पे लग जाता है। सो इसे मैं नेक एरिया, फेस एरिया, हर जगह अप्लाई कर लूँगी। अपने ईयर के पास में भी अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज़ वहाँ पे अगर नहीं लगाएंगे तो फिर भद्दा लगेगा। सो इस ये देखिए इजीली ब्लेंड हो चुका है और ये मेरा फाउंडेशन सेट हो गया है। अब मैं अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट, बिकॉज़ कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है इसे हमारा फाउंडेशन सेट होता है। सो इसे मैं अपने फाउंडेशन के ऊपर लगा लूँगी। सो इसे और ज़्यादा स्मूथ फिनिश आ जाएगी मेरे फाउंडेशन में। सो इसे देखिए मैं फेस पे, नेक एरिया, एयर पे, हर जगह में अप्लाई कर चुकी हूँ। सो अब बारी आती है लाइनर की, जो कि मेरा लाइनर है ब्लू हेवन का लाइनर, वाटरप्रूफ लाइनर होता है। ये लाइनर बहुत ही अच्छा होता है, मिनी लाइनर है ये। इसे मैं अच्छे से अपने आँखों पे लगा लेती हूँ। तो देखिए मैं इसे ज़्यादा मैं मोटा नहीं लगाऊंगी लाइनर, मैं पतला लाइनर लगाऊंगी, बिकॉज डे की पार्टी है। सो इस वजह से ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है। सो बहुत ही लाइट मेकअप करना है। सो मैं दूसरी आँख में भी अपने लाइनर अप्लाई कर ले रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हल्की आँख बंद करके लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे लाइनर ईजिली ब्लेंड हो जाता है, फैलता नहीं है। बिकॉज ये जेल फॉर्म में है, तो फिर अगर हम आँख ऊपर कर देते हैं तो ये हमारे ऊपर लग जाता है आँखों पे। सो लाइनर भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। सो अब मैं अप्लाई करूँगी काजल। सो मैं सब पहले बंद करके रख देती हूँ, बिकॉज मैं जब मेकअप करूँ, जल्दी जल्दी करूँ, मैं ऐसे ही खोल देती हूँ। मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। ये काजल है मेरा सॉफ्ट काजल, ये काजल कौन सा है, ब्लू हेवन। हाँ, ये काजल भी मेरा ब्लू हेवन का है, जो इसे मैं वाटर लाइन पे अपने अप्लाई कर लूँगी। मैं ज़्यादा थिक लाइन काजल नहीं लगाऊंगी, मैं बस हल्का काजल लगाऊंगी वाटर लाइन पे। सो देखिए काजल लग चुका है, मेरी आईज़ कितनी प्यारी लग रही है। अब काजल लगने के बाद में कुछ अलग ही हुआ जाता है। सो मैं मस्कारा यूज नहीं करूँगी, बिकॉज डे का पार्टी है। सो इस वजह से मस्कारा यूज करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ही भद्दा लगेगा अगर मैं डे में यूज करूँगी, तो मुझे नहीं पसंद। मैं लिपस्टिक यूज करूँगी, जो लिपस्टिक है मेरी लैक्मे की, इसका शेड है पर्पल कलर का, जो बहुत ही प्यारा कलर लगता है। ये वाइट ड्रेस पे बहुत ही प्यारा जाएगा कलर। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है। सो ये मेरी लिपस्टिक अप्लाई हो चुकी है। अब मैं लगा ली थी बिंदी, मैं हाथ पे लगाई, बिकॉज मैं छत पे बना रही हूँ वीडियो, सो मैं हाथ पे ही लगा के बिंदी आ गई थी। सो मैंने बिंदी ऊपर लगा ली। मुझे बिंदी सेंटर पे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं यहाँ अपने मायके में हूँ इस टाइम पे। सो मैं ऊपर ही बिंदी लगाती हूँ थोड़ा फॉरहेड पे। सो अब ये मेरा फाइनल लुक है, मेरा मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। सो प्लीज़ कमेंट लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ, बिकॉज मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ तो करूँ जिससे मेरा वो हो। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।